दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम कि सैमसंग जेस 4 प्लस एक्सेस 8 में FRP और गूगल अकाउंट को किस तरीके से बाईपास करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें अपने मोबाइल में नेटवर्क को कनेक्ट करा लेते हैं। तो अभी इस तरीके से जो है मोबाइल में नेटवर्क कनेक्ट करा लीजिए, उसके बाद फिर आपको आ जाना है यहाँ पर बैक में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा था एयरटेल नेटवर्क, तो एयरटेल नेटवर्क पर हमको क्लिक करना है और यहाँ पे हमको कुछ भी ऐसे टाइप करके उस पर क्लिक करके फिर यहाँ पे नीचे आपको एक सेटिंग का आइकॉन दिख रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर एक बैक का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद गूगल वॉइस टाइपिंग पर हमको क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपको जैसा आइकन दिखाएगा सर्च बार में ऊपर आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर हमको लिखना है वेब, वेब जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम देखिए आपको दिख रहा है मैनेज पेंडिंग सर्चेस, तो इस पर हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए सर्च बार हमको दिख रहा है, सर्च बार पर हमको जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमको नो थैंक्स कर देना है और इसके बाद सर्च बार पर हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमको सर्च बार पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको सर्च करना है क्रोम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र को हमने ओपन कर लिया और एक्सेप्ट कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपका यहाँ पर गूगल खुल चुका है। तो यहाँ पे हमको सर्च करना है FRP बाईपास DM या FRP बाईपास पर भी सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का इसमें इंटरनेट एक्सेस दिखेगा, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर दिख रहा है गैलेक्सी स्टोर, तो इसको हमको ओपन करना है। और जैसे हम इसमें ओपन करेंगे तो ये हमको अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, तो इसको हमको अपडेट कर देना है। उसके बाद फिर से बैक हो जाएगा, तो फिर से हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे एंड्रॉयड हार्डवेयर सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से जो ये ऑप्शन दिख रहा है क्विक सेटिंग, तो इस पर हमको इंस्टॉल कर लेना है और इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे हमको सर्च करना है सर्च बार में स्क्रीन, जैसे हम स्क्रीन सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमको क्लिक करना है। अगर आपको नीचे दिख रहा होगा कहीं पर तो वहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हमको पैटर्न को सेट कर देना है और फिर यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको ना जो पैटर्न डालना है कंटिन्यू करके फिर से पैटर्न डाल के ओके करना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड करके ऑप्शन आएगा, तो इसको कट कर देना और यहाँ पे आपको पूरी तरीके से बैक आ जाना है और यहाँ पे हमको नेक्स्ट को ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट करना है, फिर स्किप करना है। उसके बाद कुछ ऐसा लोडिंग लेगा और उसके बाद यहाँ पर हमको वही पैटर्न डालना जो हमने अभी आपको बताया था डालने के लिए और फिर नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर स्किप करना है, स्किप पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे फिर नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फिनिश सेटिंग ऑल डन पर क्लिक करेंगे और हमारा सेट जो है पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा।